आ जा मेरे पहले का मैं डूब गया पूरा तेरी अरे 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 गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय फ्रेश न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी टाइम 8 बज रहा है। आज में निकलने का प्लान तो था हम लोग का सुबह लगभग 5 बजे का, पर उठते उठते 8 बज गया, रेडी होते थे। अभी कुछ सामान देखे, कुछ भी रेडी नहीं हुआ किसी का भी। ये देखिए, ये भाई साहब बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है, सुबह से एडिटिंग में लगा हुआ बेचारा। इसका भी चैनल है BM ऑन व्हील्स बोल के, तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। उसका चैनल में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो भाई चिराग भाई सुबह से ये भी रेडी हो रहा है, अभी अभी चाय पी रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने का प्लान है, चंडीगढ़ निकलना है ना, फाइनल है ना, अमृतसर जो कि लगभग 470 किलोमीटर है यहाँ से। तो हम लोग का प्लान कुछ इतना ऐसा ही है। और अभी वहाँ पे पहुँचते, कल में हम लोग को तो पहुँचते पहुँचते रात का 12:30 बज गया था, तो बहुत ही मतलब थक गए थे एकदम, हालत ख़राब हो गया था। रास्ता भर बारिश, इतना बारिश था, पैंट गीला, चड्डी गीला, गंजी गीला, सब गीला हो गया था। इसलिए वीडियो में तो आप देख ही होंगे क्यों हम लोग लेट हुए। हाँ क्यों, तो सब गीला हो गया रात भर। ये देखिए हम लोग सब ये सुखाए, अभी ऊपर वाले के दुआ से सब सूख तो गया है। तो बस यही है, ये फटाफट से रेडी होते हैं और मिलते हैं सीधा बाइक में। आप हो गया है तुझको तो प्यार सजना, अब हम लोग का स्टार्ट हो रहा है राइड सजना, अमृतसर के लिए। सो गाइस, अब हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली से अमृतसर के लिए, जो कि 677 किलोमीटर का राइड होगा। इसी होटल में थे हम लोग, सहज कॉन्टिनेंटल, अच्छा स्टे था, सर्विस भी अच्छा था यहाँ का, ठीक है। निकल रहे, तू साला तेल मत भर तेल भरने के लिए बहुत अखड़ता है ना तेल भरने में। नहीं यार, है ना, थोड़ा और आगे में भरेंगे ना, थोड़ा और आगे में। हाँ, हम लोग का जो स्टे था, हम लोग करोल बाग के पास में स्टे करे थे हम लोग। एक्चुअली में थोड़ा बहुत ऐसे काम भी था करोल बाग में, पर कल में बारिश की वजह से कुछ हो नहीं पाया, कहीं हम लोग निकल ही नहीं पाए, तो इसलिए कल में कुछ ब्लॉग भी नहीं किए थे क्योंकि होटल में थे दिन भर। अरे ये क्या हुआ भाई, ये तो लद्दाख पहुंचने से पहले ही हम लोग को पहाड़ सब दिखना चालू हो गया है। पर यार ये पहाड़ से बदबू क्यों आ रहा है, ये समझ में नहीं है। अरे तेरी, ये तो कूड़ा का पहाड़ है भाई, बाबा रे बाबा, पूरा दिल्ली का लगता कूड़ा इसमें आता है ना क्या। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा लाइफ में हुआ कि मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा मतलब कि कूड़ा का पहाड़, मतलब दिमाग खराब हो गया यार। लगता है पूरा मतलब दिल्ली का पूरा कूड़ा लगता है यहीं पे डंप होता है। मतलब सोचिए, डंप करते करते पहाड़ पूरा बन गया, इतना विशाल पहाड़ बन गया, बताइए। पिछला 1 किलोमीटर से यार ऐसा मतलब खत्म रोड हम लोग को मिल रहा है, क्या बताएं हम लोग। मतलब कि इतना बड़ा बड़ा गड्ढा और पानी इतना भरा हुआ उसमें, पता का थोड़ा सा अगर स्लिप किए है तो काम तमाम सीधा। ये रोड जो है, ये हम लोग को एक्चुअली में मेन जो हाईवे है उसमें तो फार्मर पोर्टेज चल रहा है, तो उसके बगल से हम लोग जा रहे हैं। ये सिंगू बॉर्डर, ये जो रोड है ये हम लोग को सीधा कनेक्ट करेगा मेन हाईवे से। तो जितना भी पोर्टेज से उटेज है, ये जे भी है, ये सब कट जाएगा। सो फाइनली अभी थोड़ा सा अच्छा रोड मिला है कंक्रीट वाला, अभी देखते हैं कब तक, कहाँ तक ये अच्छा रहेगा, आगे जाके फिर से वैसा खराब रोड ना मिले बस। अरे
बाय, ठोक मत देना। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, अरे 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 अरे, तेरी साइड हो जा, पीछे जा, पीछे हो जा, वो ठोकते हुए चला जाएगा तुमको भी। तुम या तो आगे चला जाओ या तो पीछे, हम टाल ले रहे, हम टाल ले रहे उसको। साला धक्का ही मार दिया। आ जा आ जा आ जा आ जा। हाँ हाँ, अरे अरे रुक जा यार। भाई साहब भैंसा ने ऐसा मारा, बेचारा गाड़ी के ऊपर ही गिर गया। गाड़ी वाले ने कुछ नहीं बोला, उसके पता क्या करेंगे अभी, भैंसा ही मारा। बस हमारा भाई चिराग भाई गिर गया, बहुत ख़राब लग रहा है। दो दो बार गिर चुका, एक बार हम लोग सिलीगुड़ी से जो गोरखपुर मार रहे थे उस टाइम में गिरा, अभी फिलहाल 10 मिनट पहले गिरा। ओ भाई तो बहुत भयंकर है पानी। हाईवे हाईवे निकल रहा है। हाँ अच्छा चलो ठीक है। साहब पीछे में जो पानी था ना, ट्रक तो आधा आधा पूरा डूब रहा था। आराम से आराम से आराम से आराम से, ये देखो बाप रे बाप, बहुत अंदर है भाई। ये गन फट गया। भाई साहब मेरे को तो लगा मैं डूब गया पूरा। अरे तेरी, अरे 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 भाई साहब, अरे पे तेरी पूरा गाड़ी डूब जा रहा। ओ भाई, लद्दाख में भी लगता नहीं कि इस टाइप का हम लोग को मतलब कि वाटर क्रॉसिंग मिलेगा यार। बाप रे बाप, मतलब कलेजा फट गया था यार सच में। तो आप लोग को ये जो दिखाई दे रहा है ये सब प्रोटेस्ट चल रहा है, जो हम लोग का जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है वही है। पानी पर, फोन पर, ये तो पूरा ट्रेन वाला हॉर्न मार दिया भाई। तो फाइनली हम लोग मेन हाईवे में कनेक्ट कर लिए हैं अभी, और हम लोग को इस टाइप का रोड नहीं मिले, हालत ख़राब हो गया यार पीछे में। तो अभी एकदम मस्त हम लोग यहाँ टानते हैं। तो अम्बाला यहाँ से लगभग और 10-12 किलोमीटर बचा हुआ है। अम्बाला हम लोग पहुँच गए हैं, और यहाँ से अमृतसर लगभग और 230 किलोमीटर जितना दूर है। तो अभी अभी हम लोग का प्लान यही है कि फटाफट अमृतसर पहले पहुँचे, और टाइम हो रहा है अभी 3 बज रहा है, तो हम लोग के पास अच्छा खासा टाइम है। कोशिश तो यही है कि 7 बजे के अंदर ही अंदर पहुँच जाए, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी तक तो रोड हम लोग अच्छा खासा कवर अप कर लिए हैं, मतलब और 230 सिर्फ बचा हुआ है, और 260 जैसा किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं। तो देखते हैं कितना बजे तक पहुँचते हैं। और अभी हम लोग ने लंच भी नहीं किया है, और ब्रेकफास्ट भी हल्का ही फुल्का किया था सिंगूर बॉर्डर के पास में, वहाँ पे हम लोग ने पराठा और सब्जी खाया था, तो खा के निकले हैं अभी। तो वही है अभी फ़िलहाल पेट में। अभी कोशिश यही है कि फटाफट हम लोग रास्ता कवर अप करें, बस लंच तो हम लोग पहुँचने के बाद ही करेंगे, या तो अगर रास्ता में लगभग 100-150 किलोमीटर आगे पहले करेंगे। बस वीडियो में बना रही, आगे मिलते हैं। पीछे अगर हम लोग को सिंगूर बॉर्डर के पास में अगर प्रॉब्लम नहीं होता और डाइवर्सन नहीं लेना पड़ता, तो हम लोग लगभग अभी 180 किलोमीटर सिर्फ बचता अमृतसर, पर वहाँ पे अच्छा खासा टाइम लग गया, तो वही मेन प्रॉब्लम हो गया। ऐसा कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुआ, बस वहीं पे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ बस। बाकी रोड तो अभी बहुत ही मस्त है, और बादल भी एकदम आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा होगा। बीच में हल्का फुल्का पानी मिला था, अभी ये आप लोग का अमृतसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 224 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो फटाफट से कवर अप करते हैं अभी,
और कुछ अगर दिखाने लायक अगर होगा तो दिखा दूंगा वीडियो में, तब तक के लिए बना हो रही है। तो अभी थोड़ा पीछे मैं ये इंटरकॉम चार्ज करने के लिए मैं अपना केबल पावर बैंक के साथ कनेक्ट कर रहा था रोक के, तो तभी दो बंदा बुलेट से आके उसके बाद में बोल रहा था कि मुझे भैया 50-60 रुपये जैसे अगर होगा तो थोड़ा हेल्प कर दीजिए ना, पेट्रोल भरना है बोल के। तो फिर मुझे लगा कि हाँ शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया है इसलिए बोल रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग भी ऐसा प्रॉब्लम फंसे थे। तो मैं बोला कि ठीक है 50-60 रुपये मैं दे देता हूँ, तो उसको दे दिया। उसके बाद में फिर बोला कि 20 रुपये और होने से दे दीजिए, 80 रुपये हो जाएगा तो एक लीटर पूरा भर लूँगा। तो मैं बोला कि मेरे पास में तो और है नहीं, और वैसे ही मेरे पास में चेंज नहीं था, बस वो 60 रुपीज़ था ही, तो मैं उसको दे दिया 60 रुपीज़। और उसके बाद में सामने जो उसका बाइक चलाने वाला बंदा था, तो वो ये सामने में ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक देख के बोल रहा है कि ये क्या है, कुछ नशा वशा के बारे में कुछ बोला था, कुछ आता होगा ये पैकेट में, तो मेरे को इशारा से बता रहा था कि गांजा की क्या ऐसे कुछ के बारे में, ये वो है क्या, ये तो नॉर्मल प्लास्टिक है बोल के। हेलो, तो बोल रहा है मुझे खाते हो क्या आप, तो मैं ना नहीं खाते हैं। ओ ठीक है थैंक यू बोल के उन लोग दोनों चला गया। तो मुझे जहाँ तक डाउट लग रहा है कि उन लोग दोनों नशेड़ी है एक नंबर का, मुझे देखा होगा रुका हुआ तो इससे हेल्प ऐसे मांग के अगर बोलेंगे तो ये दे देगा शायद। मुझे तो फर्स्ट में लगा कि सच में पेट्रोल वेट्रोल ख़त्म हो गया, क्योंकि उन लोग का शक्ल देखे तो ऐसा नहीं लग रहा था, पर बाद से फिर लगने लगा। अरे चलो कोई बात नहीं भाई, अगर नशा के लिए अगर लिया है तो गलत है, और अगर उसको अगर पेट्रोल ही भरना था तो तब तो अच्छा ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तब। अभी हम लोग पंजाब में एंट्री कर लिए हैं शाम के 6 बजे, और अमृतसर और यहाँ से लगभग 98 किलोमीटर दूर है, और शाम का 6 बज रहा है, और ये देखिए धूप, मतलब हम लोग के घर में इतना बजे अंधेरा हो जाता है, और यहाँ पे अभी एकदम पूरा धूप फुल फेज में निकला हुआ है। मतलब ये लगता है कि मतलब 2 बज रहा है अभी भी देख के, तो लगता है मतलब अंधेरा होने में कम से कम 8 बजे तक भी उजाला रहेगा मेरे हिसाब से, जिस तरह का मतलब धूप है फुल फ्लेज में एकदम। अरे ग्लव्स मैंने उतार दिया था, पीछे में थोड़ा बारिश आ रहा था तो ग्लव्स उतार के टैंक बैग में रख दिया। ये देखिए वाटर क्रॉसिंग मिनी लाल किला, पता नहीं ये शायद कोई होटल है ना क्या, अगर होटल है तो बहुत ही सुंदर होटल है, मतलब किला जैसा बनाया हुआ है मिनी रेड फोर्ट। 6.5 hours later तो गाइस रात के 12:30 बज रहे हैं, और अभी देखिए हम लोग क्या चल रहा है, मैगी चल रहा है, मैगी पानी हो रही है। मतलब हम लोग पहुंचे थे लगभग 9:30 बजे करीब पहुंचे थे ना, हम लोग 9:30 बजे करीब पहुंचे थे, तो लगेज उगेज ना उके एकदम मतलब थक के हालत खराब हो गया था, तो नहाए हुए उसके बाद रेस्ट उस कर उड़ के अभी मैगी ऑर्डर किए, तो रिसेप्शन में अंकल उन्होंने खुद बना के दिया हम लोग को, बहुत टेस्टी, पर इतना टेस्टी अभी 2-3 चम्मच में खाया, बहुत टेस्टी लगा, पर थोड़ा क्यों भाई आगे हम लोग के लिए छोड़ दिया है, बोले नहीं खाएंगे, एक बार में कल हिसाब होगा। अभी तो मेरा चाय भी बचा हुआ है, देखो कोई बात नहीं, चाय पी लीजिए आप। तो आज का वीडियो जो है यही पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।